रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ते हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया और अलग अलग मोड़ पर वो आगे चले और जीवन में बढ़ते चले गए। उनकी कुछ यादें हैं, उनकी जीवन यात्रा है। ऐसे लोगों के साथ आज हम अपने स्टूडियो में जोड़ रहे हैं रवि सरीन जी को, जो नोएडा में फिल्म सिटी से जुड़े हैं और उत्तर भारत में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग में वो लाइन प्रोड्यूसर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो में रवि सरीन जी का स्वागत करता हूं। रवि जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बस ठीक है, ठीक है। रवि जी बताइए कि आपने नोएडा फिल्म सिटी में कब से काम शुरू किया था और अपनी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई वो बताइए। मैंने 92 से काम स्टार्ट किया था जी, मार्वल स्टूडियो से, फिल्म सिटी से। मैं करीब 20 साल इनके मार्वल स्टूडियो से संदीप जी के साथ में रहा हूँ और उसके बाद में भी साथ में अपना भी काम करता रहा हूँ। शुरू में पहले तो बहुत दिक्कतें होती थी नोएडा में, कोई शूटिंग वूटिंग होती नहीं थी, दिल्ली में शूटिंग होती नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, पहले तो बहुत कम शूटिंग होती थी, पहले तो यश चोपड़ा जी जैसे थे, तीन साल में दो साल में एक पिक्चर, चांदी जैसी पिक्चर, लमे जैसी पिक्चर वहां करके आ जाती थी। उसके बाद में धीरे धीरे करके 97 पे बोनी कपूर ने सबसे पहले शुरुआत करी थी अपना इधर पे नोएडा में, सिर्फ दो की शूटिंग करी थी और पूरी मतलब 70% शूटिंग जो थी वो नोएडा की थी, नोएडा फिल्म सिटी की थी, चौड़ा गांव की थी, निठारी की थी, आईआईटी की थी, मतलब पूरा नोएडा उस पिक्चर, जो पहली पिक्चर है जो थी वो सिर्फ तुम थी जिससे पूरा का पूरा नोएडा कवर किया था। उसके बाद से फिर धीरे 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 करके प्रोड्यूसरों का डायरेक्टरों का डर हटता गया, दिल्ली में लोग आने स्टार्ट हो गए, नोएडा में लोग आने स्टार्ट हो गए, शूटिंगें बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे करके फिल्म सिटी में भी जब इन्होंने जो स्टूडियो बनाए थे वो भी धीरे धीरे चलने लगे। बहुत अच्छा, अच्छी हो रही है सर अपना नोएडा में, और धीरे धीरे तो देखो आप भी देख रहे हैं जेवर में जो फिल्म सिटी बन रही है वो भी आगे चल के तो बहुत अच्छे होने वाला ना, आने वाले टाइम पे बॉम्बे ही इधर पे शिफ्ट होने वाला है। इतना अच्छा उन्होंने योगी जी ने जो किया है इससे तो मतलब पूरा जो नोएडा जो पहले फिल्म सिटी थी 16 वाली और अब जो है इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी ये न्यू सिटी, ये तो पूरी नोएडा वाली तो न्यू फिल्म सिटी की जगह ये तो न्यू सिटी बन गई, यहाँ पे हर न्यूज हर न्यूज वालों को ऑफिस इधर पे, बिल्कुल कुछ स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग होती नहीं है। अब जैसे यहाँ पे जब जैसे जो बन रहा है उसमें सब आउटडोर है, मंदिर बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, सही बनेगी उसमें, अच्छा चलेगा सब। अच्छा, एक मैंने बहुत शूटिंगें करी है यहाँ पे, विवाह पिक्चर की थी, सूरज बचाता है की उसकी करी है। कहाँ कहाँ की थी जरा ये भी हमें बताते चलिए कि इन फिल्मों की शूटिंग किस किस जगह पर हुई, ताकि लोगों को पता लगे कि उनके आसपास कौन सा ऐसा दृश्य है जो फिल्म में कैद है। अच्छा देखिए, एक पिक्चर आई थी विवाह, हाँ, सूरज बचाते है की, वो हमने करी थी यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर, यमुना नहीं सॉरी ये नोएडा एक्सप्रेस वे, तब तो यमुना था ही नहीं, हाँ हाँ, ये अपना नोएडा एक्सप्रेस जो ग्रेटर नोएडा जाता उस पे करी थी। हाँ। उसके बाद में एक पिक्चर आई थी बेबी अक्षय कुमार की, वो हमने करी थी इस पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हाँ 10-12 दिन शूटिंग करी थी। उसके बाद में एक पिक्चर आई थी किल दिल, ये वो भी यशराज फिल्म्स की थी, रणबीर सिंह और परिणीति चोपड़ा की, वो हमने करी थी इधर गलगोटिया कॉलेज में। अच्छा, हाँ ग्रेटर नोएडा में। और फिर एक पिक्चर आई थी ये अय्यारी, अय्यारी की शूटिंग हमने गौतम बुद्ध में करी है, यमुना एक्सप्रेस वे में करी है। एक पिक्चर आई थी फितूर, कटरीना कैफ की और आदित्य कपूर की, वो भी हमने जेपी का जो है ये यमुना एक्सप्रेस वे उसमें शूटिंग करी है। अभी जो आने वाली पिक्चर है अतरंगी, अक्षय कुमार की, आनंद एल आई डायरेक्टर है उसके, उसकी शूटिंग हमने कर दी शारदा हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ। और अभी एक वेब सीरीज आई थी पाताल लोक, पाताल लोक, हाँ आई थी, हाँ जी, हाँ ना, उसकी हमने नोएडा में शूटिंग करी है। हाँ। और एक पिक्चर आई थी एजेंट विनोद, हाँ, ये सैफ अली खान विनोद उसकी, हाँ। तो हमने ग्रेटर नोएडा में खाली पैड है, विक्ट्रा वालों का वहाँ शूट किया था। अच्छा, अभी 10 दिन पहले सनी देओल के बेटे की पिक्चर आ रही है, वेले वेले, वो
दो महीने की शूटिंग हमने ग्रेटर नोएडा नोएडा में करी है, सेक्टर 30 में करी है नोएडा में, सेक्टर 39 में करी है। ग्रेटर नोएडा में कहाँ? ये वेव सिनेमा है ना जो अपना ये सेंटर स्टेज मॉल में, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे मिलेंगे मिलेंगे की शूटिंग करी है। उसके बाद में बेवफा पिक्चर आई थी उसकी शूटिंग करी है वहाँ पे। उसके बाद एक रन पिक्चर आई थी अपना अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की, वो हमने यहाँ पे फिल्म सिटी के पास वो नाला नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वो नाले में शूटिंग करी है। विजय राज जब वो गिरता है वो सब वो इधर ही सीन है, वो बाइक का एक का पूरा एक्शन एक्शन सब इधर सेक्टर 18 पे और ये फिल्म सिटी के बीच में जो एरिया है वहाँ पे शूट किया। अच्छा एक चीज बताइए कि आप कोई रोचक किस्सा बताइए, जब शूटिंग चल रही होती है उस समय कोई किसी बड़े एक्टर का बड़े उसका उस समय का दौर जो आपने आपके सामने हुआ, तो कोई ऐसा रोचक किस्सा हमारे श्रोताओं को बताइए जिसमें आपको अभी भी याद है कि भाई इस शूटिंग के दौरान ये हुआ था। पॉजिटिव बता दूं नेगेटिव बता दूं? जो भी बताओ बताओ। हम लोग एक शूटिंग कर रहे थे यहाँ पे सेक्टर 71 के पास में, हाँ हाँ, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की पिक्चर थी। तो एक बंदा आके हमारे साथ बड़ी बदतमीजी करी, डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर के साथ भी बदतमीजी करी। उसको ये शौक वो नहीं था कि नोएडा में शूटिंग क्यों हो रही है। अच्छा। उसको ये प्रॉब्लम थी कि नोएडा में शूटिंग क्यों हो रही है, उसको ये प्रॉब्लम थी। उसने क्या किया, लोगों को बुला लिया अपने, उसको नेगेटिव लोगों को बुला के हमें बहुत तंग किया था उसने। बल्कि पुलिस वुलिस सब डिपार्टमेंट ऑफिसर सब हमारे साथ में था, लेकिन वो एक सिर्फ आदमी हमारे कैसे पड़ गया था, तो इसकी वजह से बड़ा वैसा बड़ा अजीब सा लगा था। और फिर वो भी क्या बड़ी पिक्चर थी। उसके बाद कुछ शूटिंग रुकी थी या जी थे वो टाइम पे? अच्छा। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ था वहाँ पे। मतलब ये भी थोड़ा सा पब्लिक को समझना चाहिए कि नोएडा में अगर कोई शूटिंग के लिए आ रहा है अगर कोई, तो अच्छा है ना नोएडा के लिए, नोएडा दिखेगा ना सर। ये फिल्म वाले हैं, कोई सीरियल वाले तो है ना कि इंडिया में सीरियल आया तो देख के खत्म हो गया, तो पिक्चर तो पूरे वर्ल्ड में जाती है ना, कितना नाम होता है। नोएडा इतना अच्छा है, दिल्ली इतना अच्छा है, लोग आके अगर दिल्ली को कवर नहीं करेंगे, अच्छी जगह लोकेशन कवर नहीं करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? गांधीनगर, फिल्मपुर। ठीक बात ठीक बात। ये बताइए कि अब जो आने वाली नोएडा फिल्म सिटी है, आपका अनुभव जो इतने साल का है आप देख रहे हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए वहाँ पे बनाने से पहले कि जिससे कि ये फिल्म सिटी दुनिया भर में एक अलग तरह की पहचान वाली हो, और वहाँ क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो फिल्मों को जरूरत होती है? क्या क्या होना चाहिए? सर देखिए, रामाराव स्टूडियो है अपना उधर हैदराबाद में, वो उससे प्लस उनको यहाँ पे बनाना चाहिए। वो बहुत पुराना हो गया, वो तो 10-15 साल पुरानी चीज होगी। अभी इनको यहाँ पे मंदिर अंदर तो चलो ठीक है, मंदिर तो देखो आज की डेट में आप बिरला मंदिर में जाओ शूटिंग कर सकते हो, किसी मंदिर में जाओ डोनेशन दो आप शूटिंग कर सकते हो, एयरपोर्ट में जाओ एयरपोर्ट में जाके शूटिंग कर सकते हो। अभी इनको बनाने चाहिए बड़े फ्लोर जो कि बॉम्बे में भी नहीं है, बड़े बड़े फ्लोर 200x280 फीट हाइट, 100 फीट हाइट, ऐसे जो चीज बॉम्बे में नहीं है वो चीज यहाँ पे बनानी चाहिए। मंदिर कोई वो नहीं है, ट्रेन का डब्बा बनाना कोई वो नहीं है, ट्रेन तो वैसे भी 1,00,000 रुपए तो होता है, तो आपको पूरे दिन के लिए ट्रेन ओरिजिनल ट्रेन मिल जाएगी, स्टेशन मिल जाएगा। इनको चीज ऐसी बनानी चाहिए तो चीज कहीं भी नहीं हो इनके पास, नोएडा में जीवर में हो। नहीं, आप जैसा कहीं इधर उधर जाते रहते हो तो कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए यहाँ पे जो इंडिया के दूसरे हिस्सों में है और वो इस फिल्म सिटी के अंदर भी नजर आनी चाहिए? समुन्द्र का किनारा तो यहाँ आएगा नहीं? नहीं ऐसा वो तो नहीं आएगा, लेकिन नदी यमुना नदी तो है ना, वो सब भी पार्क वार्क भी कुत्ते को महत्व नहीं देते आज। नहीं, यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे को ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे कि वो नदी का समुद्र का किनारा सा नजर आएगा। बिल्कुल नदी के किनारे वो शूटिंग हो सकती है जो वहाँ पे यमुना नदी बहती है, हो सकती है। वो भी कर सकते हैं। और क्या क्या? फॉरेस्ट एरिया है वो इधर में नहीं है। अच्छा, वो कर सकते हैं। फॉरेस्ट ओरिजिनल फॉरेस्ट एरिया में शूटिंग करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जिम कॉर्बेट है वहाँ पे तो कभी भी जानवर निकलने का वो होता है ना, तो अपना खुद एक क्रिएट करके एक फॉरेस्ट एरिया बनाना चाहिए। और वहाँ पे बहुत शूटिंग होती है। तो दिल्ली एनसीआर में आप घूमे हो, एनसीआर में और शहरों में क्या खास बात है और नोएडा में क्या खास बात है या ग्रेट नोएडा में क्या खास बात है जो फिल्मों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? नोएडा की रोडों का जवाब ही नहीं, इतनी चौड़ी चौड़ी रोड, इतने अच्छे अच्छे फ्लैट बने हुए हैं, इतने अच्छे से। मैंने एक फिल्म करी थी सोनू की, टीटू की छुट्टी, वो मैंने करी थी मागुन सोसाइटी है सेक्टर 78 पे, वहाँ पे वो जो कार्तिक आर्यन का जो घर दिखाया ना वो है। और बहुत पिक्चर, बहुत सुपर डुपर हिट पिक्चर रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं, थ्री इडियट में भी यहाँ का नोएडा का रोडे बहुत अच्छी है, स्कूल बड़े अच्छे अच्छे हैं, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। मैंने एमआईटी स्कूल में करी है, रांझना पिक्चर आपने देखी होगी। हाँ, रांझना जी, रांझना ना, रांझना का जो जेएनयू पिक्चर के अंदर दिखाया है ना, वो जालन नहीं है, वो एमआईटी स्कूल है। और करीब महीने बाद शूटिंग करी है यहाँ पे। एक वो ऐसी तल्लू वर्ष मन्नू, बिल्कुल तल्लू वर्ष मन्नू की शूटिंग भी एमआईटी स्कूल में ही करी हुई है। पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, वो भी एमआईटी स्कूल सेक्टर 44 में करी है। तो आप इतने डायरेक्टरों के साथ और इतने एक्टरों के साथ जुड़े रहे हो, उनकी नोएडा के बारे में क्या राय है, या फिल्म सिटी के बारे में जो बनने जा रही है उसको लेकर उनके बीच में क्या चर्चा है? अपने अपने प्रॉपर्टी बना ली हुई है, इतना खुला खुला एरिया देख देख के कई लोगों ने इधर मेरे साथ मिलकर कई लोगों ने पेंट हाउस खरीदे यहाँ पे, बॉम्बे के बड़े बड़े डायरेक्टरों ने। अच्छा, आने वाले दिनों की तैयारी के लिए है, आने वाले दिनों की तैयारी के लिए पहले से इन्वेस्ट करके रख चुके हैं ये लोग। अच्छा 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 अच्छा, लोगों ने ATS में खरीदे हैं, यमुना एक्सप्रेस के ऊपर बने हैं। तो वहाँ भी ऐसे पेंट हाउस की जरूरत पड़ेगी ना आने वाले दिनों में, जब वहाँ पे फिल्म सिटी डेवलप होगी तो वहाँ पे यमुना 30 को भी ऐसे पेंट हाउस और इस तरह के लोगों की ले प्लान बनाने चाहिए ना सर। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज पूछता हूँ मैं कि जब आप नोएडा में आए थे, उस समय आप नोएडा में मतलब जब रहते थे, नोएडा में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, कैसे आते जाते थे और कैसे, क्योंकि उस समय की शूटिंग में लोगों को लाना, उनको जोड़ना, वो एक कठिन चुनौती थी। मुझे भी याद है कि मैं एक बार मैं गाजियाबाद रहता था। हाँ, वहाँ से आता था बसों में, पहले तो 8:30 बजे बस बंद हो जाती थी ना नोएडा की, तो हाँ। तो मैं सेक्टर 1500 उतरता था, वहाँ से रिक्शे से आता था। हाँ, सिटी में। फिर धीरे धीरे करके फिर सेक्टर 18 बना, पहले तो सेक्टर 18 तो कुछ था ही नहीं था। बिल्कुल, खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, तो वहाँ से शुरुआत देखी है, कुछ नहीं था। फिल्म सिटी में भी शाम को 5 बजे के बाद लोग जाने से डरते थे, कोई रिक्शे वाला नहीं जाता था। आप आरुषि फिल्म वाले में भी एक लाइन प्रोड्यूसर रहे हैं? हाँ, मैं था उसमें, आरुषि में, उसमें मैं था, तलवार पिक्चर में, वो हाँ। इधर ही करी थी, जलवायु विहार में ही करी थी वो, उसके नानी के घर पे शूट करी थी पिक्चर में, तो आरुषि के। तो हमें आने वाले दिनों में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना में देखने को मिलेंगी बहुत जल्दी, बहुत सारी, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर है, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी पिक्चर है, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ में। अभी मैं एक पिक्चर करने वाला हूँ, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है, वो उनकी शूटिंग भी नोएडा में होने जा रही है नवंबर में। बहुत अच्छा जानकारी आपने, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छी जानकारी नोएडा फिल्म सिटी से जोड़कर और ग्रेट नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रवि सरीन को, जो लाइन प्रोड्यूसर हैं और NCR में उन्होंने 2 या 3 दर्जन फिल्मों की शूटिंग कराई है और उसमें साथ में रहे हैं। और उन्होंने जैसा कि अभी आपको जानकारी दी कि नवंबर में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म की शूटिंग भी नोएडा में होगी। आप ऐसे लोग के साथ मुलाकात करते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।